नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक नहीं दो नहीं तीन तीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो भी ऐसा रेसिपी जिनका हाथ का खाना खाके लोग बहुत तारीफ करते हैं, उन्हीं से आज सीखेंगे ये रेसिपी। मेथी का कचौड़ी, मटर का कचौड़ी और आलू और हरा चना का सब्जी। इतना अच्छा टेस्टी सब्जी और टेस्टी कचौड़ी बनेगा, तो आप लोग भी बनाइएगा तो पता चलेगा। चलिए, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से ना छूट जाए तो जल्दी से सीख लेते हैं। हम लोग सभी को ही अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेथी का कचौड़ी हम उन्हीं से सीखते हैं। तो सबसे पहले मेथी का कचौड़ी बनाने के लिए हमें मेथी के पत्ता को इस तरह से डंठल से अलग कर लेना चाहिए। तो देखिए, मेथी को हम डंठल से अलग कर ले रहे हैं और फिर इसको बहुत अच्छी तरह से दो तीन बार साफ पानी से धो लेना चाहिए। और धोने के बाद ये बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए इसको बॉयल करने के लिए। ये पत्ता खाली नरम हो जाए उतना ही तक हमें बॉयल करना है इसको। तो एकदम स्लो फ्लेम में इसको थोड़ी देर के लिए पानी में बॉयल होने देना चाहिए, और फिर ये जब नरम हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे पानी से। और फिर इसमें हम आज मैदे का कचौड़ी बना रहे हैं, आप आटा डाल के भी बना सकते हैं। और इसमें अजवाइन थोड़ा हाथ में रगड़ के हम इसमें डाल दिए अजवाइन, और इसमें अजवाइन का खुशबू बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम आधा स्पून चीनी डाल देंगे, चीनी डालने से बहुत ज़्यादा कड़ाड़ी बनती है कचौड़ी। और इसमें हींग डालेंगे हम, हींग का खुशबू बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा, आप इसका खाली मसाला देख लीजिए, मसाला देखने से ही मसाला से ही टेस्ट बनता है। और इसमें फिर लास्ट में हम नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद इसमें अदरक कद्दूकस किया और छोटा छोटा टुकड़े में कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, और मेथी के पत्ता को मैदे और मसाला के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसको एकदम सख्त पूरी जैसा आटा हम सान लेंगे, एकदम पूरी जैसा सख्त आटा सानना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जितना ज़रूरत है उतना पानी डाल के सख्त डो तैयार कर लेंगे। और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेंगे, और इसको छोटा छोटा कचौड़ी बना के हम छान लेंगे। तो देखिए, फुला फुला हमारा कचौड़ी बन के रेडी हो गया है। इसको एकदम लाल करके फ्राई कर लेना है। तो हमारा मेथी का कचौड़ी बनके रेडी हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा। अब हम मटर का कचौड़ी सीखेंगे। हरे मटर, जो ताज़े मटर मिलते बाज़ार में, हम ऑयल में जीरा डाल दिए, और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च को बीच से तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे। और फिर मैं इसमें तेजपत्ता डाल दूंगी, तीन चार तेजपत्ता डालना है इसमें। और इसमें अदरक डालना है, थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा में अदरक काट के डालना है। बड़ी इलायची डालना है, तीन बड़ी इलायची मैं डाल दी हूँ इसमें। ये मसाला ध्यान से देखिए, ये मसाला ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मसाला डालिएगा तो कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर इसमें ताज़े मटर हम डाल देंगे, अगर ताज़े मटर नहीं है आप सफल जो आता है फ्रोज़न मटर उससे भी बना सकते हैं। और स्वादानुसार नमक डालेंगे इसमें, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिलाने के बाद एकदम स्लो फ्लेम कर देना है, और स्लो फ्लेम में इसको ढक के 5 मिनट तक पकाना है। और तब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। हम मैदा और आटा दोनों मिला के आज बनाएंगे। मैदा में हम अजवाइन थोड़ा सा हाथ में रगड़ के डाल दिए, और उसी तरह
चीनी भी डालना है हाफ टी स्पून, और हींग डाल देना है, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, और इसमें हम आटा भी थोड़ा मिला दिए मैदा में, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को बहुत अच्छी तरह से, इसमें अब सख्त आटा नहीं गूंदना है, इसमें रोटी जैसा आटा गूंध लेना है, और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट में रख देना है ताकि हमारा आटा फूल के सेट हो जाए। तब तक हमारा मटर पक गया। हम मटर को मिक्सी जार में, ठंडा होने के बाद मटर को मिक्सी जार में डाल के इस तरह से पेस्ट बना लेंगे, और इस तरह के से पेस्ट बना के जो हमारा आटा उसमें हम इसको भरेंगे, इस तरह से भर लेंगे। भरने के बाद कचौड़ी बेल लेंगे, कचौड़ी बेल के हम फ्राई कर लेंगे, लाल लाल करके कचौड़ी को फ्राई कर लेंगे। एक और कचौड़ी फ्राई कर रहे हैं हम, देख लीजिए। तो फुला फुला कचौड़ी तैयार हो रहा है हमारा, बहुत ही टेस्टी कचौड़ी। आप मसाला का ध्यान रखिएगा, जो इसमें मटर में जो मसाला मिला है वही सबसे मेन है, और आटा सानने में जो हम मिलाए हैं अजवाइन, चीनी, नमक और हींग, वो भी मेन है। वो सब ध्यान रखिएगा तो आपका बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी कचौड़ी बनेगा। हमारा मटर का कचौड़ी भी रेडी हो गया। अब हम आलू का सब्जी बनाएंगे, आलू और हरा चना का सब्जी। तो सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे तेल में, और फिर जीरा डालने के बाद इसमें हम आलू डालेंगे। छोटा छोटा टुकड़ा काटे हुआ आलू को हम अच्छी तरह से डाल के फ्राई कर लेंगे, और इसमें लाल मिर्च डालेंगे, तीखा वाला लाल मिर्च डालेंगे, जितना आपको तीखा पसंद है। और हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च से रंग अच्छा होगा, इसका रंगत अच्छा होगा। और इसमें हम हल्दी पाउडर डाल दिए, और इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे। मसाला का बहुत ज़रूरी है, मसाला क्या क्या डाल रहे वो देखना। और इसमें काली मिर्च डाल दिए, और दो मसाला है, एक सीक्रेट मसाला है इसमें जो इसका स्वाद बहुत बढ़ा देगा, तो वो है हमारा मीट मसाला। मीट मसाला अगर डालेंगे इस सब्जी में तो सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा दुगुना बढ़ जाएगा, सब्जी का टेस्ट। थोड़ा सा 1 टीस्पून हम मीट मसाला डाल दिए, देखिए एवरेस्ट का मीट मसाला है, बहुत टेस्टी होता है। सब्जी में थोड़ा सा डालने से बहुत ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें, और मसाला को बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे। और इसमें हरा चना, जो पेड़ के साथ आता है चना, वो चना का सब्जी बना रहे, आलू चना का सब्जी, उस चना को डाल देंगे इसमें। बहुत ही टेस्टी होता है ये चना का पकौड़ी बनता है, इस चना का हलवा बनता है। तो आप लोग बोलिएगा तो इसका रेसिपी भी हम देंगे। आलू और चना को बहुत अच्छी तरह से मसाला के साथ मिला लेना है, और फिर इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ टमाटर भी डालना है। टमाटर डालने के बाद हम अपना ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालेंगे और नमक मिला देंगे, और इसको ढक के 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में पकाना है, जब तक हमारा आलू और चना बॉयल हो जाए। देखिए टेस्टी आलू हरा मटर का सब्जी बन के रेडी है, कचौड़ी के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बना है। आप लोग अगर इसी तरह बनाइएगा तो देखिएगा तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।